तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हाथ जोड़ के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पेट्रोल पंप के बारे में आप लोगों को जानकारी मैं बताते रहता हूँ। तो दोस्तों हम कोई बड़े अमीर इंसान नहीं हैं, तो आपके चैनल अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हो तो हम कोई सीएम या प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, तो देख सकते हो आज का रेट है। और ये जो रेट है वो डीजल का रेट है 90 रुपये 40 पैसे। और मैं पेट्रोल की मैं बात करूं तो मैं पेट्रोल का न्यूजल उठा रहा हूं, तो देख सकते हो आप लोग, अब पेट्रोल का न्यूजल उठा रहा हूं तो ये देख सकते हैं आप लोग 95.34 95 रुपये 34 पैसे पेट्रोल का है और डीजल का 90 रुपये 40 पैसे। और दोस्तों आप लोग के इधर मतलब आपके यहाँ डीजल और पेट्रोल का रेट क्या है बता दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किस जगह से हो, किस जगह मतलब यूपी उत्तराखंड महाराष्ट्र मुंबई दिल्ली जिस जगह से हो आप लोग, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मैं इस जगह से हूँ, पेट्रोल डीजल का रेट इतना है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं उत्तराखंड से डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हूँ फ़िलहाल में इस समय। तो यहाँ का रेट है 95.34 ये पेट्रोल का है, 90 रुपये 40 पैसे डीजल का। तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मैं बाइक में पेट्रोल डाल रहा हूँ, देखते रहिए कि पेट्रोल कैसे डालते हैं। 500 तो मैंने सेल दबाया, देख सकते हो हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ सेल दबाइए। और 500 करना है मुझे, 500 रुपये का मुझे पेट्रोल डालना है बाइक में। जनूतल उठाया डायरेक्ट, पर्ची तो निकलेगी नहीं, कंप्यूटर बंद है, जनरेटर चल रहा है ना, लाइट है नहीं, क्या करूँ, डाल दूँ 300। चलिए हमें अब दोबारे सेल दबाने हैं और 300 रुपये मैंने कर दिया, अब हमें 300 रुपये डालना है। एक गड्डी और आ गई है, देख सकते हो दोस्तों अब 300 रुपये का मैंने पेट्रोल डाल दिया इस गाड़ी में, पूरे 300 रुपये का। इसमें चेंज भी नहीं है क्या, चेंज का तो बड़ा लफड़ा है, पैसे नहीं आ रहे हैं चेंज। चलिए सर आपका तो काम हो गया, ये लीजिए। कितना पड़ेगा? 600। तो मैंने सेल दबाया फिर और 600 रुपये किया। एक मिनट, अरे फोन गिर गया आपका। पहले तो मुझे ढक्कन खोलना है गाड़ी का, और जैसे मैं ढक्कन खोल के और फटाफट देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे जॉब करता हूँ। आप लोगों को पता है कि पेट्रोल पंप पे सैलरी कुछ नहीं है, 5 से 7 हज़ार रुपये सैलरी होती है दोस्तों। तो आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। क्या कह रहे हो सर? ये हुआ ढक्कन खोल दिया मैंने और 600 रुपये जो फिट किया था, अब 600 रुपये निकाला मैंने इधर नोजल उठा के और इस गाड़ी में डाल दी मैंने। पहला कट लगा दिया, देख सकते हो और मैंने क्या हुआ ठंडा भी जगा देना और क्या ईमानदारी है यार, क्या बात, अब नहीं बोल रहा यार। अरे बोलूंगा बोलूंगा, ये थोड़ी पड़ जाए ना फिर बोल रहा हूँ। एक रुपये एडवांस ही डाल दिया मैंने, हा? कुछ नहीं। तो दोस्तों 1 रुपये का ज़्यादा ही पड़ गया है, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा फिर, अगर 10 गाड़ी जाएगा तो 10 रुपये जाएगा जेब से। ओके दोस्तों, तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो बता दीजिएगा कमेंट करके। ओके,
सभी गाड़ियों में मैंने पेट्रोल डाल दिया, तो उसको आप सबने देखा कि मतलब मैं पेट्रोल कैसे डालता हूँ, और आप सबको भी पता चले क्या होगा चलिए कि कैसे पेट्रोल डालते हैं। और ये अपना जनरेटर है, तो जनरेटर को मैं पहले बंद कर दूँ और हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और ये सिस्टम देख सकते हो आपको कैसे, ऐसे मैं जनरेटर बंद करता हूँ, बटन मतलब टूट गया अगर। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू गाइस।